खबरों में बीकानेर। भारतीय डाक विभाग किस तरह गांवों में और शहरों में घर घर जाकर लोगों के शून्य बैलेंस अकाउंट खोलेगा और एटीएम की सुविधा पहुंचाएगा, ये सब जानिए। देखिए, आज जो वार्षिक निरीक्षण है हमारे अधीक्षक डाक विभाग, वो हम करने के लिए आए हुए हैं। किस प्रकार का निरीक्षण किया है, कहाँ कहाँ पर है? नहीं, निरीक्षण के अंदर सालाना जो मुआयना होता है उसमें सभी तरह की चीजें हम रिव्यू करके देखते हैं कि इन्होंने कितना बिजनेस किया है, जैसे पीएलआई कितना किया है, आरपीएलआई कितना किया है, अकाउंट कितने खोले हैं, रिक्रूटमेंट कितने किए हैं, इस डिवीजन में कितने लॉस और फ्रॉड के केसेस हुए हैं, उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, या गवर्नमेंट की जो ड्यूज थी वो रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें होती है जो एनुअल इंस्पेक्शन में देखी जाती है। या वो पहली विजिट है, इससे पूर्व कर चुके आप विजिट? नहीं, मेरा तो पहला ही विजिट है, बाकी हर साल ही इंस्पेक्शन होता है। उसकी रिपोर्ट आपके पास में है पिछली? हाँ, हमारे पास रिपोर्ट उसकी क्या आउटपुट है, या इन जो लॉस एंड फ्रॉड के मामले में जो जो चीजें लास्ट ईयर थी उनकी इन्होंने कंप्लायंस की है, तो वो चलता ही रहता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने नहीं किए तो इस साल में फिर दोबारा वो रिपीट हो जाएगी कि आप कितने दिन में इसकी रिपोर्ट बना दीजिए। मेरा नाम तैनार मीणा है, मैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर जयपुर से हूँ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक जो आपने अभी अपन बातचीत कर रहे थे पेमेंट बैंक के ऊपर, पेमेंट बैंक 31 दिसंबर तक पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे देश के अंदर ही 155,000 पोस्ट ऑफिसों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी, और इससे राष्ट्र रूट पर तक जो लोग रह रहे हैं, यानी कि आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू 61% लोग जो ऐसे हैं जिनका आज बैंकिंग सेवाओं से वो लोग बहुत दूर हैं किसी ना किसी वजह से, उन सब के खाते हम खोलना शुरू करेंगे, वो भी जीरो बैलेंस से और आधार कार्ड के आधार के ऊपर उनका अकाउंट खोलना शुरू करेंगे, जिससे आम आदमी को बैंकिंग की सेवाएँ मिलेंगी। इसके अलावा एक हमने ढाई आखर नाम से एक योजना चला रखी है, जो जिसके अंदर मेरे देश के नाम खाते जो स्कूल के बच्चे हैं उसमें दो ग्रुप बना रखे हैं कि अप टू 18 साल और 18 साल से अब, तो दो ग्रुप हैं जो कि लेटर लिखेंगे, और लेटर लिखने के लिए उनको अंतर्देशीय और लिफाफे हम उपलब्ध कराते हैं, स्कूलों में हम लोग जाते हैं, जिसे बच्चों के अंदर एक लेटर लिखने की आदत पड़े, और फिर उन सारे खतों को जाँच की जाती है, और जो बेस्ट खत होता है तो उसका पहला इनाम है 50,000 रुपये, दूसरा इनाम है 25,000 रुपये, तीसरा इनाम है 10,000 रुपये। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो ये कंपटीशन हुआ था पूरे देश लेवल के ऊपर, हमारे एक बस्सी जयपुर के पास है, वहाँ की एक लड़की सेकंड पोजीशन पे आई थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बीकानेर से भी जितने लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको फ्री में एक पेन और एक अंतर्देशी और एक लिफाफा दिया जाएगा, और 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, जो कि अपने मतलब लेटर लिख करके वो हमारे दफ्तर में यहाँ जमा करा सकते हैं, उसके बाद में कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। सर, ऐसा कोई आंकड़ा आया है कि बीकानेर जिले कितने स्कूलों पर सर्वे पहुंचा दिया गया अब तक? देखिए, इस साल तो अभी चल रहा है, 31 अक्टूबर को पता लगेगा टोटल कितना हुआ, पर लास्ट ईयर पूरे राजस्थान में हमारे पास 44,000 मतलब पत्र आए थे, और उसमें से लगभग हमने इनको जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 24 डिवीज़न बोलते हैं, उनमें 2,000 का हमने टारगेट दे रखा है, तो मिनिमम 2,000 तो हर आदमी भेज ही देता है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट। खबरों में बीकानेर के लिए मोहन थानवी है।